कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर अधिकारियों की तरफ से डीएम अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे पहले लॉकडाउन की घोषणा में बढ़ती जा रही ढील को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजारिश की थी कि वे इसे सख्ती से लागू करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था, लॉकडाउन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से बरती जा रही ढील आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन है। गृह सचिव ने कहा था कि हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए लॉकडाउन नियमों में ढील बरत रही है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।